हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि जीके का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे थे, जो यह जो प्रैक्टिस सेट है वो जो है UP SSC के BDO एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर है। और ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद किस वर्ष धर्म के शिकागो संसद को संबोधित किए थे। तो पहला ऑप्शन है 1890, जिसके बाद दूसरा ऑप्शन है 1892, तीसरा ऑप्शन है 1891 और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह है 1893। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1893 में जो है इन्होंने शिकागो में अपना भाषण दिया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था और किस सन में हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष का अलीपुर बम मामले में किसने बचाव किया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया बिपिन चंद्र पाल, दूसरा ऑप्शन दिया गया मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन दिया गया चित्तरंजन दास, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है भूला भाई देसाई। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चित्तरंजन दास जी ने जो है अरविंद घोष का जो है बीच बचाव किया था। और तो अरविंद घोष का कौन बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास जी ने का बचाव किया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1792 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है जोनाथन डंकन, दूसरा ऑप्शन है विलियम जोन्स, सॉरी दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, तीसरा ऑप्शन है विलियम जोन्स, चौथा ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि जोनाथन डंकन जो है 1792 ईस्वी में जो है वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन के उपादान की अवसर लागत कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया जो अपने वर्तमान प्रयोग से अर्जित की जा रही हो, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है जो दीर्घकाल में अर्जित की जा सकती हो, इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है वह दिया गया है कि वर्तमान प्रयोग में रखे जाने वाले जिसका भुगतान किया जाना हो, तीसरा ऑप्शन है जो किसी अन्य प्रयोग से अर्जित की जा सकती हो। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि उत्पादन के उपादान अवसर की लागत कितनी होती है। तो वह हो जाएगा जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती हो, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेशी मुद्रा परीक्षित पूंजी का अंग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा ऑप्शन है SDR, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है कि बैंकों और कॉरपोरेट संस्था द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि बैंकों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है बंदी प्रतिरक्षण, दूसरा ऑप्शन है परमादेश, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षण लेख, इसके बाद चौथा ऑप्शन है को वारंट। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, दूसरा ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चौथा ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तावित किया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं। तो पहला ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, इसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन है वलय के समान, चौथा ऑप्शन है अनुप्रस्थ दिशा के समान। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा वलय के समान। तो आप लोग ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है किस जिले से गंगा प्रवेश करती है और किस जिले से गंगा जो है दूसरे राज्य में बाहर जाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि यह उष्ण कटिबंधीय पट्टी में है,
दूसरा ऑप्शन दिए गए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। तीसरा ऑप्शन है कि स्थानीय रक्षक इसे गर्म रखते हैं। चौथा ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ तापमान में काफ़ी वृद्धि करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग आगे। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा से दूरी, दूसरा ऑप्शन है ऊंचाई, तीसरा ऑप्शन है वर्षा, चौथा ऑप्शन है समुद्र से दूरी। तो जो जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण है वह किया जाता है वर्षा के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिए गए फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन दिए गए यूफ्रेटिस टाइग्रिस बेसिन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अरब मरुस्थल, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है कि रब अल खली मरुस्थल। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा फारस की खाड़ी तटीय क्षेत्र से जो है पश्चिमी तेल क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलेनियन उपग्रह नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यूरोपीय, इसके बाद दूसरा यूरोप दिया गया पहला ऑप्शन, दूसरा दिया गया गैनीमेड, तीसरा ऑप्शन दिया गया कैलिस्टो, चौथा ऑप्शन दिया गया डीमोस। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि जो सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा ग्रह है, इसके बाद सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यह भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, दूसरा ऑप्शन है दबाव समूहों का लक्ष्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि दबाव समूह अपने समूह के हित में को उजागर करते हैं, चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि दबाव समूह का अभिलक्षण हितों का समरूपता होता है। तो इसमें राइट आंसर पहला ही हो जाएगा कि दबाव समूह का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है 323 से, दूसरा ऑप्शन है 343, दूसरा ऑप्शन है 329, तीसरा ऑप्शन है 343 सी, चौथा ऑप्शन है 343 के। तो इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, 323 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती, तो वह है 323 है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है UK, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो डी वाला जो ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा कि स्विट्जरलैंड जो है बहु कार्यपालिका का उदाहरण है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि संविधान, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है USA, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, जो चौथा ऑप्शन है आयरलैंड है। तो आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा ली गई है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे। जो अगला क्वेश्चन है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश सभा द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। पहला ऑप्शन है रघुनाथ राव, दूसरा ऑप्शन है नारायण राव, तीसरा ऑप्शन है माधव राव, चौथा ऑप्शन है बाजीराव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि बाजीराव द्वितीय के समय में जो है ब्रिटिश द्वारा जो है पेशवा काल को समाप्त कर दिया गया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि राजा खारवेल कहाँ के चेदीवंश के महानतम शासक थे। तो पहला ऑप्शन है चोलमंडलम, दूसरा ऑप्शन है कलिंग, तीसरा ऑप्शन है कन्नौज, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया वह है पुरुषपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग जो है।
तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऐसा सम्राट था जो है कलिंग पर आप आक्रमण किया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वह कौन सा ऐसा महान सम्राट था जो कलिंग पर आक्रमण करने के बाद जो है उसको जीत लिया था और उसका जो मन था वह पूरी तरीके से बदल गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है फजलुल हक, तीसरा ऑप्शन है लियाकत अली खान और चौथा ऑप्शन है चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान नाम जो सर्वप्रथम दिया था वह दिया था चौधरी रहमत अली ने, पाकिस्तान नाम दिया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है। तो पहला ऑप्शन है उत्क्षेप, दूसरा ऑप्शन है भार, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि उत्क्षेप और भार जो है दोनों जो है वह जो है पिंड को जब द्रव में डुबोया जाता है तो उच्छेद तथा भार दोनों बल कार्यरत होता है। फिर आगे चलते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में यम पाया गया, यदि वही लिफ्ट ए जो है ए को त्वरण कहा जाता है तो त्वरण एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु का द्रव्यमान का माप कितना होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि यम इसके बाद ब्रैकेट में 1 - a/g, दूसरा ऑप्शन दिया गया यम यम इसके बाद ब्रैकेट में 1 + a/g, तीसरा ऑप्शन है यम इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वह शून्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यम, अर्थात द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि आवधिक सारणी में आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है। तो पहला ऑप्शन है OS, दूसरा ऑप्शन है PT, तीसरा ऑप्शन है PB, चौथा ऑप्शन है W। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यह OS हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु पृथक्करण होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है मेसान, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं कि एक आवर्त में लिथियम से फेरस तक आयरन विभव है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन घट जाता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, उतना ही रहता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि इसका अनुमान जो है आयरन विभव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं जो अगला क्वेश्चन है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। पहला ऑप्शन है विद्युत रोधक, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंडक्टर, तीसरा ऑप्शन नैज या आंतर सेमी कंडक्टर, चौथा ऑप्शन है बाह्य सेमी कंडक्टर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि बाह्य सेमी कंडक्टर जो है यह बन जाता है। ठीक है, तो वीडियो जो है यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पे समाप्त होता है। तो इससे पहले समाप्त हो वीडियो करने से पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नासा का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कि नासा का फुल फॉर्म क्या है और या ये जो है कहाँ की एजेंसी है, और इसके साथ ही जो है कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और जो है देशांतर रेखा के आधार पर जो है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और क्षेत्र और इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है कि जो है संपूर्ण विश्व का जो है भारत का क्षेत्रफल जो है वह कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहीं पे जो है हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।